अनु की मम्मी बाइक में बैठेगी। मैंने कहा पागल हो गए, ये कुछ भी कर सकते हैं। एंड एक्चुअली मेरी सौरभ जोशी से बात भी हुई थी, तो मैंने उन्हें कहा था कि जब भी आप देहरादून आएंगे माय फैमिली वुड लव टू मीट यू। फिलहाल सव्या के लिए एक छोटा सा गिफ्ट था। आज आप लोगों ने मेरा सेंसर तोड़ दिया, आज आप लोगों ने मेरी बाइक का स्टैंड तोड़ दिया। ला 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 स्टैंड। अबे रुक गया पहले मुझे। सो हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड। और आज इस ब्लॉग की शुरुआत में आप लोग ये सोच रहे होंगे ना कि बाबू भैया दूसरे दिन ब्लॉग डाल रहे हो, ये चमत्कार कैसे हो गया। एक्चुअली गाइस सीन ये है कि देहरादून में ना लॉकडाउन खुल चुका है, एंड मैं पिछले एक महीने से वेट कर रहा था कि कब ये दिन आएगा जब हम लोग फ्रीली बाहर घूम सकेंगे। एंड आई एम रियली हैप्पी कि मार्केट में ना अब सब कुछ खुल चुका है, तो अब बहुत तबाही कॉन्टेंट बनने वाला है। फिलहाल गाइस थैंक यू सो मच, लास्ट ब्लॉग में पापा के लिए इतने तबाही तबाही कॉमेंट्स है ना, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पापा को लोग ऐसे बोलेंगे कि पापा प्रो डैड। पापा ने लास्ट वाले ब्लॉग के कॉमेंट पढ़े, मुझे एक कमेंट याद है, वो हीरो लिख रहा था। तो पापा ले लद्दाख की सीरीज में, तो फिर आपकी ब्लॉगिंग तबाही मचा देगी मुझे लग रहा है। ये बहुत भारी है यार इसका स्टैंड, अगर स्टैंड हल्का मिल जाए तो मैं कर लूंगा, स्टैंड और कैमरा हल्का। गोप्रो से भी ब्लॉग कर सकते हो आप, ये ऑडियंस को बस आपकी ब्लॉगिंग चाहिए, फिर चाहे आप गोप्रो से ब्लॉक करो चाहे आप आईफोन से ब्लॉक करो। भाई देखो मैं सब चीज कर लूंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो तुम्हारा क्या है, ये ट्राइपॉड, बाबा ट्राइपॉड बोलते हैं सर, हाँ, ये भी भारी, ये कैमरा भी भारी, अब मैं भी भारी, मेरी एवेंजर भी भारी, तो इतने भारी भारी चीजें हो जाएंगी तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर सारी चीज लाइट वेट वाली है तो मैं कर लूंगा। तो गाइस थैंक यू सो मच, लास्ट वाले ब्लॉग में इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं। मेरे मम्मी पापा ना बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, मम्मी तो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि उनके पति इतने ज्यादा फेमस हो गए। मम्मी कैसे लग रहा है कि आपने सोचा था कभी आपके पति और आप इतने फेमस होंगे? हम तो पहले से ही फेमस है भाई। आप ना पापा की संगति से दूर रहो, मेरा अपना है, हमारा अपना है, आप पापा की संगति से दूर रहो। पापा तो थे ही एक पॉइंट मारने के लिए, और अब मम्मी भी गाइस इतने धक्का पे कमेंट्स करते हैं। हम तो पहले फेमस है ना। लेकिन मम्मी मैं बताता हूँ कि आप दोनों का कपल ना बहुत फेमस हो चुका है, आप दोनों ना बहुत फेमस हो चुके हो, लोग आपको इतना लाइक इतना एडमायर करते हैं ना। मुझे ऐसा लगता है गाइस फ्लाइंग बीस्ट और रितु भाभी के बाद अगर कोई इंटरनेट पे फेमस कपल है तो वो मम्मी पापा है, विनोद भाई और आपका नाम क्या रखे मम्मी, क्या रखना पापा, विनोदी। तो गाइज मम्मी का नाम आज से विनोदी, एंड कमेंट सेक्शन में विनोदी विनोदी तो स्पैम हो जाना चाहिए। एक्चुअली मम्मी ये लोग मेरे लिए कमेंट नहीं करते जितना आप लोगों के लिए कमेंट करते, कसम यही तो है बात। मेरी मम्मी को मेरे को पापा से दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे चैनल मुझे चैनल एक्चुअली में छोड़ना पड़ेगा, और ये दोनों एक कैमरा उठा करके बाहर घूम रहे होंगे और तो हम बोलेंगे देखो हम फेमस है, ये पीछे नहीं गए। मैं तो खुश हूँ मम्मी कि आप लोग फेमस हो, मतलब हम लोग इस तरह के से ब्लॉग कर रहे हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि घर वालों के साथ ऐसे ब्लॉग होगा, लास्ट वाले ब्लॉग में भी। तो यार एक्चुअली आज के ब्लॉग में हम लोग देहरादून जाने वाले हैं, एंड जिस चीज के लिए हम लोग देहरादून जाने वाले हैं वो ना पापा से रिलेटेड है। पापा लेह लद्दाख राइड तो अब होने वाली है, लोग बहुत गदर एक्साइटेड है पापा के लिए लद्दाख की राइड के लिए, कसम। उससे ज्यादा एक्साइटेड तो मैं हूँ, लेकिन ये सब कुछ होगा 1 जुलाई के बाद। ठीक, एक डेट फिक्स कर लेते हैं पापा, 2 जुलाई को। गवर्नमेंट जॉब में डेट फिक्स नहीं होती जैसे कोरोना की है, प्रोबेबली 2-3 के बाद जुलाई के बाद हम लोग चलेंगे, और मेरी ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ वही मनाई जाएगी 14 जुलाई को। 14 जुलाई को आपका बर्थडे, 27 सितंबर को क्या फर्जी बर्थडे है पापा? ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ 14 जुलाई है, और जो घरी है घर वाली है वो 29 सितंबर को है। तो बेसिकली गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ, पापा और मैं लेह लद्दाख जाने वाले हैं, एंड उसके लिए हम लोगों ने सोचा है कि पापा की एवेंजर में तो हम लोग मॉडिफिकेशन कराएंगे। साथ ही साथ गाइस मैं अपनी बाइक में भी मॉडिफिकेशन कराने वाला हूँ, तो आज एको में फुल पावर मॉडिफिकेशन होने वाली है। मेरी मम्मी तो बोली थी उसका एग्जॉस्ट हटा दे, बहुत लाउड है ना, हटाओ मम्मी की वही रखू, हटा दे क्योंकि वो मेरे भी कान फाड़ रही है, मेरे कान फाड़ दे रोड पे क्या होगा। अपनी बाइक का एग्जॉस्ट तुरंत निकालो, अब मेरी बाइक में लगाओ उसे। पापा वो सिंगल सिलेंडर बाइक है उसकी आवाज तो फिर सिंगल सिलेंडर बाइक आपकी मेरी और मैं कितना सिलेंडर का हूँ। ये तो मम्मी को पूछना पड़ेगा, मम्मी आपके पति कितने सिलेंडर के, कितने सिलेंडर के हो यार, 2 सिलेंडर के ना आना, 2 सिलेंडर के पेट पेट है उनका निकल, बाकी वो ये आमा मेरे घर वाले कैसे है ना, मम्मी वो वाले सिलेंडर की बात नहीं कर रहे जो जिससे गैस में स्टोव चलाते हैं। घुट्टन मालिश मम्मी, घुट्टन मालिश हमारा नया ट्रेंड है, घुट्टन मालिश मम्मी, घुट्टन मालिश। सब अगर ये देख रहे हो तो आपके साथ मम्मी भी घुट्टन में मालिश। तो गाइस एक्चुअली आज एको पे बहुत मॉडिफिकेशन होने वाली है, क्योंकि यार लेह लद्दाख की राइड सून होने वाली है, मुझे पता है बहुत सारे लोग एक्साइटेड है इस चीज के लिए। मुझे पापा की बाइक में मॉडिफिकेशन करानी है, एंड द थिंग इज गाइस लास्ट वाले ब्लॉग में आप लोगों को पता है मेरे घर वालों ने मेरे को सैमसंग S20 गिफ्ट करा था। एक्चुअली जब मैं अनबॉक्स कर रहा था तो मैंने ध्यान नहीं दिया, एंड व्हेन आई चेक द फोन तो उसके जो बैक पैनल था ना गाइस, कैमरे वाले पैनल पे ना बहुत बड़ा डेंट था, मतलब इसका जो कैमरे वाला ग्लास था
ना वो टूट रखा था। तो बेसिकली गाइस मैंने इस फोन का रिप्लेसमेंट मांगा है। आजकल मैं ये वाला फोन रिप्लेस जाएगा, इसके बदले नया फोन आएगा। बट गाइस मैंने ये फोन यूज करा एंड लेट मी जस्ट टेल यू, इसमें ना बहुत हीटिंग प्रॉब्लम है। मैं कान पे अगर ऐसे लगाता हूं ना तो मेरा कान का स्किन बर्न करने लग जाता है एंड बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है। तो लेट मी नो अगर कोई सैमसंग के फोन चला रहा है, क्योंकि मैं सोच रहा हूं यार इसको रिफंड करा करके कोई और दूसरा फोन ले लूं, और कौन सा फोन लूं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। फिलहाल गाइस आज एको को हम लोग एक नया रूप देने वाले हैं। मुझे पता है कि यू नो जब भी हम लोग बाइक पे रैप कराते हैं ना वो बहुत तबाही लगता है। जस्ट लुक एट आवर आरसी, जब हम लोगों ने आरसी पे रैप कराए थे ना तो दिस वाज काइंड ऑफ समथिंग न्यू, एंड सेम चीज हम लोग आज एको पे कराने वाले हैं। पापा आज हम लोग एको को ना बहुत भयंकर बनाने वाले हैं, इस पे भी लाइक मॉडिफिकेशन करा करके हम लोग इसे एकदम यूनिक बना देंगे। भाई यूनिक तो ही हो पापा, यूनिक तो है ना, बट इसका ना एक्चुअली ये वाला सीन क्या है कि ना ये यहाँ पर बहुत ज्यादा खाली है, यहाँ पर बहुत ज्यादा खाली है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग स्टिकर लगा। मेरी बाइक भी तो खाली है। आपकी बाइक पे क्या कराना है पापा? एक तो साइड में सामान रखवाना है, फॉग लाइट लगानी है, मोबाइल होल्डर लगाना है, ला ला बॉटल सब हो जाएगा पापा, डन डन। बॉटल होल्डर लगाना पापा, घर नहीं बनाना, कैनवस वो वैन नहीं बनानी, उसे वो तो वैन ही बनाऊंगा मैं, अब गाड़ी नहीं लूंगा, अब मैं उसी में जाऊंगा। गाड़ी गाड़ी आ रही है गाइस। एक्चुअली गाइस गाड़ी से मेरे को याद है कि सेल्टॉस की जो बुकिंग थी वो कैंसिल ही नहीं हुई, कार अभी तक नहीं डिलीवर हुई है एंड आई डोंट नो कब तक डिलीवर होगी, बहुत लेट हो गया लॉकडाउन में इस चीज से। एंड यार बाइक तो आ गई हमारी, तो बस अब मुझे अपनी कार का इंतजार है। फिलहाल चलते हैं को मॉडिफाई कराने के लिए, पापा मम्मी भी मार्केट जा रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए एंड हम भी चलते हैं। सो गाइस वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को पता है कि गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट होने वाली हैं एंड गर्मियों की छुट्टियों में हर किसी को कहीं ना कहीं जाना होता है, लेकिन उसके लिए यू नीड मनी। एंड आज मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें आप गेम खेल करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे गाइस आप एक हर एक स्पिन में बहुत सारा पैसा जीत सकते हैं, साथ ही साथ वो आपका पैसा एकदम आपके वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे आप ई बैंकिंग या फिर बैंक ट्रांसफर से सीधा अपने अकाउंट में मंगा सकते हैं। एंड वैसे यहाँ पर आपको कपल ऑफ स्पिन करनी है एंड फिर आप कहीं पर भी जाकर घूम सकते हैं। मेरे भी बहुत सारे दोस्त है जो ये गेम खेलते हैं एंड मैं पर्सनली ये प्लेटफॉर्म भी यूज करता हूँ एंड रिसेंटली मैं लेह लद्दाख की राइड करने वाला हूँ। तो यू नो अगर आप लोग भी घूमना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में चल जाना, मैंने इस प्लेटफॉर्म का डाउनलोड लिंक दिया होगा, अगर आप वहां से जाकर डाउनलोड करते हैं तो यू विल गेट ह्यूज बोनस। तो फिर देरी किस बात की है, स्पिन करो एंड बहुत सारे पैसे कमाओ। एक्चुअली गाइस आप लोगों को पता है मैंने अपना आईफोन सर्विस कराने के लिए दिया था, वो भी नेपाल सीरीज से पहले, बट व्हाट हैपेंड कि लॉकडाउन लग गया था तो उसके कारण हमारा आईफोन आ नहीं पाया। तो आज हम लोग सर्विस सेंटर भी जाएंगे अपना आईफोन रिसीव कराने के लिए। एंड एक्चुअली यार जो मैं एको पे मॉडिफिकेशन की सोच रहा हूँ ना, वो ये सोच रहा हूँ कि ये वाला पार्ट हम लोग पूरा रैप करा दें, और ये वाला पार्ट ही पूरा रैप करा दें, क्योंकि ना यहाँ से थोड़ी सी खाली लगती है। लाइक आगे से देखो यार, आगे से तो एकदम मस्त सेक्सी सी, बट ये वाली साइड से और ये वाली साइड से ना ये बहुत खाली खाली सी लगती है। एंड नंबर आने के बाद तो इट्स क्वाइट गुड, बट आज ये फुल कंप्लीट किट जाएगी गाइस एंड अब जा करके ना लाइफ एकदम नॉर्मल हुआ है। मैं ऑलरेडी यार कोल्ड स्टार्ट करके रखता हूँ बाइक सुबह, क्योंकि कभी भी कहीं पर इमरजेंसी में निकल जाना पड़ जाता है तो फिर वी नीड दैट कोल्ड स्टार्ट है ना। यार एक्चुअली ना आज बाइक में बहुत ज्यादा काम होने वाले हैं। हम लोग क्या सोच रहे हैं, इसका वाइजर सब स्मोक ब्लैक करा दे, क्योंकि पता है इतना हाई स्पीड इन रोडों पे चलाने को मिलता नहीं है, और अगर मेरे को नीचे टक भी करना पड़ा ना तो भी मैं ऊपर से देख सकता हूँ। तो हम लोग ये विंडस्क्रीन से लेकर के आगे पीछे सब रैप कराने वाले हैं, ताकि इन्हों थोड़ी सी और अलग लग जाए। एक्चुअली ये बहुत ह्यूज दिखती है और इसका टैंक ही देख लो यार, ये बहुत मस्त दिखता है। एंड पता है एको के अंदर सबसे बेस्ट बात क्या है गाइस, इसके अंदर ना क्रूज कंट्रोल है, हालांकि मुझे क्रूज कंट्रोल चलाना आया नहीं अभी, आई डोंट नो कैसे चलाते हैं, बट अगर किसी को पता है तो प्लीज लेट मी नो कैसे चलाते हैं। एट द सेम टाइम यार लेह लद्दाख का प्लान ना हमारा इसी मंथ था, बट द थिंग वाज कि पापा के पेपर्स थे एंड फिर पापा को कुछ हेल्थ चेकअप्स भी कराने, क्योंकि आप लोगों को पता है पापा की तबीयत थोड़ी सी खराब रहती है एंड हम नहीं चाहते कि लेह लद्दाख के रोड ट्रिप पे कुछ चीज़ें इधर उधर हो। तो हम लोग फुल चेकअप करा करके 2-3 जुलाई को निकलेंगे, बट द प्रॉब्लम दैट वी हैव इज यू नो जुलाई में रेनी सीजन शुरू हो जाता है, तो फिर यार मैं तो झेल लूंगा बट फिर पापा के साथ दिक्कत ना हो, क्योंकि पापा बारिश में कैसे चलाएंगे। तो इसीलिए यार हमें ना बहुत प्रॉपर इंतजाम करके चलना पड़ेगा, बहुत प्रॉपर अरेंजमेंट करनी पड़ेगी पापा के लिए। तो यार बेसिकली अभी हम लोग जा रहे हैं एप्पल आईफोन स्टोर, मेरा आईफोन बहुत टाइम से वहीं पर है और लॉकडाउन के कारण वो आ नहीं पाया एंड आईफोन के बिना ना बहुत मुश्किल हो जाता है सोशल प्लेटफॉर्म चलाना। मैं इंस्टाग्राम बिल्कुल भी अच्छे से नहीं चला पा रहा था, क्योंकि स्टोरीज और फोटोज मैं आईफोन से ही खींच के डालता हूँ एंड वो तो शुक्र है गाइस मेरे घर वालों ने मेरे को सैमसंग गिफ्ट कर दिया, तो अब मेरे पास इतना दिक्कत नहीं है। बट आईफोन चाहिए यार, आईफोन की क्वालिटी कोई मैच नहीं कर सकता। आईफोन स्टोर पर हम लोग रोज कॉल कर रहे थे बट कोई वहाँ से पिक नहीं कर रहा था, तो आज हमने सोचा हम चले ही जाते हैं, पूछते भाई हमारा आईफोन दे दो भाई, 1-1.5 महीना हो गया ही ना। तो यार पहुँच चुके हम लोग एप्पल के स्टोर, हे भगवान ये खुलाओ। सो बॉयज वी हैव गॉट आवर आईफोन फाइनली। मैं बता रहा हूँ गाइज, मैं पिछले 1 महीने से इस आईफोन का वेट कर रहा था एंड फाइनली इतनी खुशी लग रही है ना, जब वो मैम अपने हाथ में एक व्हाइट वाला फोन लेके आई इतनी तसल्ली मिल रही थी। एंड मैं आपको बताता हूँ गाइज, हमारा आईफोन ना आज ही यहाँ पर आया है, 2 महीने का वेट फाइनली खत्म हुआ। और ऐसा भी कुछ नहीं, जितनी बार मैं बाल कटाता हूँ ना उतनी बार फोन जाता हूँ। यू रिमेम्बर गाइज जब लास्ट टाइम मैं नेपाल जा रहा था तो शिवम ने बाल कटा लिया, बाल कटा के आया था, आज बाल कटा के आज फोन। लेकिन शिवम बहुत बच्चा लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी का बच्चा खो गया। कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना है
किसका बच्चा खो गया है। तो यार हमें आईफोन मिल चुका है एंड अब इंस्टाग्राम की स्टोरीज बहुत तबाही होंगी। जो इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो कर रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर लेना। और बाकी चलते हैं बाइक की मॉडिफिकेशन के लिए। तो बॉयज फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी फेवरेट शॉप रोहिल आर्ट्स में। हेलो भैया, से हाय टू द कैमरा। भैया हमारी बाइक हमेशा मॉडिफाई करते हैं तो आप भी आ सकते हैं भैया की शॉप पे मॉडिफाई कराने के लिए। एंड गाइस एको को लेकर हम लोग एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं लेकिन आज उस प्रोजेक्ट की केवल एक स्टार्ट है। हम लोग थोड़ा थोड़ा करके उसे फुल मॉडिफाई कराने वाले हैं बिकॉज द थिंग इज गाइस ये 2021 मॉडल 10R का अभी इंडिया में नया ही है एंड जो मॉडिफिकेशन हम लोग कराने वाले हैं उसके बाद तो एको एकदम तबाही हो जाएगी। एंड यार लेह लद्दाख राइड के लिए भी हम लोग इसे थोड़ा सा डिफरेंटली बनाने वाले हैं तो दिखाते हैं आपको हम लोग एको पे क्या करा रहे हैं। मेरे शब्दों को तोल मोल नहीं सकते, हर बात मैंने हर बात मानी पर हर बात मेरी हर बात नाकार क्यों। मैंने सपनों को सुई से बुना जो मेरी सुई तेज धार चुभी बहे मेरे आंसू। चोट खा तुझे हंसना भी है, गिर 100 बार तुझे उठना भी है। सारी दुनिया खिलाफ खड़ी मेरा बाप खड़ा मेरे साथ बोला डरना नहीं। मैंने बाप का गुरूर करा हाथों में बंद और मारे जो मुक्के तो जबड़े ही तोड़े। ये कहते हैं रेस में पीछे पर गधों की रेस में चीते नहीं दौड़े। तो भैया काम कराते कराते हो गई हमें शाम लेकिन बाइक एकदम तबाही लग रही है। फिलहाल सव्या के लिए एक छोटा सा गिफ्ट था। एक्चुअली यू नो शी हैज सपोर्टेड मी सो मच इन द लाइफ। तो यू नो मैंने सोचा कि क्यों ना बाइक पर हम दोनों का नाम लिखाया जाए हमारी मोहब्बत दिखाने के लिए। एंड वो बहुत ज्यादा खुश होगी जब उसे पता लगेगा कि मैंने बाइक पर हमारा नाम सवराग का नाम लिखा है। एंड यार बाइक ऑलमोस्ट हो चुकी है तैयार। मैं बता रहा हूँ आप लोग बहुत खुश होंगे एंड प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जाकर के बताने की बाइक कैसे लग रही है। तो यार हमारा हो चुका है काम एंड शाम के बजने वाले 8। लुक एट दैट, हमारी बेबी कैसी लग रही है। जस्ट लुक एट दैट गाइस, एको एकदम खतरनाक सी लग रही है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, हियर इज सवराग, हियर इज इल्यूमिनाटी, हियर इज एको गाइस। एक्चुअली गाइस हम लोगों को थोड़ा डर भी लग रहा है, यू नो लेट हो चुका है तो जाते टाइम कोई पकड़े ना क्योंकि हमें पता है हमें फॉर श्योर लोग रोकने वाले। सो गाइस लुक एट आवर बेबी, कितना मस्त लग रहा है। एक्चुअली हम लोगों ने इसका आगे वाला वाइजर ना पूरा रैप करा दिया है तो अब अंदर ना इसके कलर्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं एंड आई एम रियली एक्साइटेड। मैं अपने मम्मी पापा को दिखाने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हूं यार। Guys, look at that. And यार यहाँ पर सवराग भी है, कितना अच्छा लग रहा है ना। एंड अब आपके लिए और इजी हो जाएगा हमारी एको को पहचानना क्योंकि मैंने इसके साइड में द UP 07 राइडर की कोडिंग करा दी। बट एक्चुअली यार काम में ना बहुत ज्यादा रात हो गई तो अब पुलिस वाले ना रोके हम लोगों को। So guys, we just reached home और पापा भी पढ़ाई कर रहे हैं। पापा इतनी पढ़ाई करके कहाँ जाओगे आप? अच्छा खासा 1.5 लाख रुपए कमा रहे हो गवर्नमेंट जॉब से, इतनी पढ़ाई करके कहाँ जाओगे बताओ? तू मेरे से दुगना कमा रहा, तू कहाँ जा रहा? बहुत है इतना ही। मैं तो पढ़ाई तभी तो छोड़ती पापा। पापा मैं महीने का आपको 1 लाख रुपए कमीशन दूंगा बताओ। मैं तो अभी नहीं छोड़ने का, मैं बता रहा हूँ अभी तो 54 का हूँ, अभी तो 60 तक 3 PG और करूंगा। बता दूं क्या बनना है? क्या बनना है? रिपोर्टर। पापा ब्लॉगर बन जाओ, रिपोर्टर। इतने हाँ सारे तो लोग रिपोर्टर कम ब्लॉगर। वाओ, आज लोग आपको बोल रहे हैं ब्लॉगर बन जाओ और आप बोल रिपोर्टर बनूंगा। तब आपने वो देखा है कराची से लोग ईद मनाने, कराची से अंदरूनी मुल्क लोग अपनों में ईद मनाने के लिए अंदरूनी मुल्क जा रहे। अरे यार क्या करे, गाड़ी चलती उधर से निकल जा भाई। मैं तो ये बता रहा हूँ मैं बनूंगा एजुकेशनल ब्लॉगर। आपके जो डायलॉग्स रहते हैं वो ऑलरेडी लोगों को मोटिवेट करते हैं, नेचुरल निकलते हैं तो अपने आप निकल जाते हैं। फिलहाल बाबा डिग्री छोड़ो, मैं आपको बाइक दिखाता हूँ, आ जाओ मम्मा। तो यार एक्चुअली हम लोग घर पहुंचे थे एंड मम्मी खाना बनाना बंद, छोड़ो मैं आपको बाइक दिखाता हूँ। आज पनीर, आज पनीर मम्मी भाई अमीर लोग भाई, कैसे कहाँ से क्या करे मम्मी भाई? सौरभ जोशी, एक्चुअली सौरभ जोशी भाई अगर आप ब्लॉग देख रहे हैं तो मेरे घर वाले ना बहुत प्यार करते हैं आप लोगों से। पापा ने ना सौरभ जोशी की इंस्टाग्राम पे स्टोरीज देखी तो पापा बहुत खुश हो गए थे कि सौरभ जोशी घर आ रहा है। एंड एक्चुअली मेरी सौरभ जोशी से बात भी हुई थी तो मैंने उन्हें कहा था कि जब भी आप देहरादून आएंगे माई फैमिली वुड लव टू मीट यू। तो मम्मी ने सौरभ, तो मम्मी ने पीयूष और सौरभ के लिए क्या क्या बना रखा था? राजमा की दाल थी, चावल थी, पापड़ फ्राई कर रहे थे। हम ये कहना चाहेंगे वो आए क्यों नहीं, हम तो उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, सब चीज लिए आए थे। सौरभ जोशी की मेरे से बात हो रही थी, वो पहले मुझसे आएगा तब जाके बात होगी। तो सौरभ जोशी भाई बहुत प्यार करते हैं मेरे मम्मी पापा, मतलब टैबलेट में केवल आपके ब्लॉग देखते हैं। तो ये दोनों आपका बहुत वेट कर रहे हैं, आपके लिए पनीर आया, चलो आपके बहाने हम लोग पनीर खा लेंगे। लेके आए थे हमारे लिए, तो कभी लेके आते तुम्हारा नहीं, अडॉप्टेड तो नहीं मम्मी में। अरे प्रोटीन की जो इतनी बड़ी पेटी थी वो गिर गई। आ जाओ मैं आपको बाइक दिखाता हूं एंड फिर मम्मी मैं आपको एक और चीज दूंगा। बाइक दिखाने के बाद मैं आपको एक चीज और लेकर आता हूं। हां पक्का पक्का, आ जाओ जल्दी आओ। पर आज सर पे क्या तेरी मम्मी बैठेगी बाइक? ना ना आप पीछे, आप बिठाओगे? हां मैं बिठाऊंगा। ला 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 बल्ले बल्ले। सो मम्मी हियर इज द बाइक, पापा हियर इज द बाइक। हम लोगों ने बाइक पे फुल पावर मॉडिफिकेशन करा दी। लाइक बोलो बाइक का नाम भी है ना, पहली वाली भी यही बाइक का नाम है। ये ब्लैक एंड व्हाइट कैसे हो गया? एंड पापा ये हम लोगों ने इसका विंड शीट पूरा चेंज करा दिया था भाई। मेरी वाली में भी लगानी है विंड शीट। पक्का पक्का, ले लद्दाख जब जाएंगे ना तो पापा आपकी विंड शीट में भी लगाएंगे। तो यार पापा मम्मी को बैठाने वाले हैं, आई डोंट नो पापा के पैर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, बट पहले आप बैठो ना। रुको मैं सीट लेके आता हूं बेटा, पहले इस पे नहीं काउल है पापा, इस वाली काउल बैठोगे तो ये टूट जाएगा। रुको मैं सीट लेके आता हूं, पकड़ो इसे पकड़ो। तब तक आप ब्लॉक कर लो थोड़ा सा। तो आज हम
आज हमारी पत्नी कह रही मैं पागल हो गया हूँ, रात अनु की मम्मी बाइक में बैठेगी। मैंने कहा पागल हो गए, ये कुछ भी कर सकता है। हम जब पागल हैं तो कुछ भी कर सकता है आदमी। हम काले हैं तो दिल वाले। वाले गाना कौन सा था? गोरे गोरे बाल और काले काले। लोग कॉल मेरे को कॉल करके बोल रहे थे आंटी तो बोल फुल पावर मजे ले लिया। हुन चुका है, तो फाइनली काउ लग चुका है एंड पापा मम्मी को बिठाने वाले। पापा मम्मी को राइड पे लेके जाओगे? बताओ, बिठाने की प्रैक्टिस तो आज जाएगी। नहीं नहीं, मैं तो राइड रूड खाना भी नहीं बनाया अभी। पापा घोड़े पे बैठे थे शादी में आने पे? शादी इसी मकान से हुई थी। देहरादून तक तो हम लोग गाड़ी में गए थे और उसके बाद थोड़ा सा पैदल गए थे। घोड़ा में तो मैं पहली बार केदारनाथ में बैठा था। पापा आप शादी में घोड़े पे नहीं बैठे? घोड़ा कहाँ था? घोड़ा नहीं ना मुझे सही में पता, मैं तो अंदर थी। मुझे देखो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ला ला पापा बताओ, अब तो पापा आप चीते में बैठ रहे हो। देखो पापा, जो लोग घोड़े पे नहीं बैठते वो ZX-NR पे बैठते हैं। एक ये देखो, दो दो फ्यूल टैंक हैं। तो गाइस पापा मंगा रहे हैं अपने लिए एक सीडी। वो मिर्जापुर का एक डायलॉग था ना शायद, सीडी तो उसके लिए भी लगती होगी। तो पापा एक्चुअली सीडी यूज कर रहे हैं। पैर पैर लंबे होने चाहिए। आज आपकी बात गलत सिद्ध होगी पापा, कुछ छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए लेकिन आपके पैर लंबे होने चाहिए पापा। ZX-NR के आज आप लोगों ने मेरा सेंसर तोड़ दिया, आज आप लोगों ने मेरी बाइक का स्टैंड तोड़ दिया। ला 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 स्टैंड। अबे रुक गया पहले मुझे। ओके गाइस, तो इन दोनों को बिठाई दिया मैंने। इसकी चाबी कहाँ है? पापा प्रैक्टिकल ना हो तो थ्योरी तो ऐसे हो ही सकती है कि ऐसा सा बैठना। कभी ना कभी मम्मी जब हम पापा की टांग थोड़ी लंबी करा देंगे फ्यूचर में तो फिर सूज बंद है लगा देंगे। सारी ब्रो से नहीं, बताओ माँ और बेटा मिलकर के मुझे बेवकूफ बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं तो बहुत हताश हो चुका हूँ, मैं मरने चला हूँ। तो गाइस हियर इज आवर बाइक एंड चेक करो गाइस कैसी लग रही है। फुल पावर हम लोगों ने बाइक का नाम इधर से कराया एंड कसम पापा बहुत मस्त लग रहे हो। सारे पड़ोसी देख रहे हैं कि ये पागल हो गया। तो गाइज ये भी बता देना कि जब मैं अपनी पत्नी को लेके इस बाइक पर बैठा था तो आज कैसा लग रहा था। अगला डेमो थोड़ा सा चलाने का हो जाएगा लेकिन अभी धीरे धीरे करना है ना। ओके यार, तो हम लोग आ चुके अंदर एंड मम्मी आज आपके लौंडे का आईफोन आ ही गया घर में। बहुत महीने बाद गाइज आईफोन आया तो हम लोग इससे मस्त मस्त स्टोरी डालने वाले। एंड गाइज अब मेरे पास तीन तीन फोन हो चुके हैं तो मैंने डिसाइड करा है मेरा जो 60 था वो मैं मम्मी को देने वाला हूँ। एक्चुअली मैं मम्मी को नया फोन दिला सकता हूँ और मैंने मम्मी को बहुत बारी बोला भी है कि मैं मम्मी को नया फोन दिला देता हूँ, बट एक्चुअली मम्मी को फोनों में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है। मम्मी अपना एक टैब लेके बैठती है, बट मम्मी एंड मम्मी यार अपना टैब ही चलाती रहती है तो मम्मी को ज्यादा फोन की जरूरत नहीं पड़ती। तो मम्मी को हम लोग अपना ये 60 गिफ्ट करने वाले हैं। ऐसा है, अब आपकी मम्मी के पास इतना बड़ा साइज तो पहले किसी है। साइज नंबर 1 ये है, सैमसंग का टैब है ये, तो सबसे पहले आप चलाते थे इसको। तो दिस इज योर फोन मम्मी। पापा अपना फोन क्यों दिखा रहे हो बेचारा, वो 700 वाला फोन। जॉब आप पढ़ाई करो, पेपर पेपर आ रहे ना। तेरी मम्मी इसी से बात करती है मेरे साथ। मम्मी मेरे साथ टीम अप कर चुके। मम्मी आई लव यू। पापा मेरे पे इतने पॉइंट मारे ना कसम, पिछले एक साल में मैं जा रहा हूँ और पापा अकेले छूट चुके तो मम्मी मेरी साइड। तो दिस इज यू किसी साइनिंग ऑफ, मिलते नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बी सेफ एंड मम्मी right shape.